फेमस यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर निशु देसवाल के घर में इस समय मौजूद हैं। आज उनकी 13वीं है। माँ का देख पा रहे होंगे रो रो कर काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। लगातार अपने बेटे को याद कर रही हैं और यकीन नहीं कर पा रही कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा रो रो कर बुरा हाल है। जो आसपास की लेडीज़ हैं वो उनको समझा भी रही हैं। देख पा रहे होंगे किस तरीके से लगातार जो है लगातार रोई जा रही हैं और होश आवाज़ भी नहीं है और यकीन भी नहीं कर पा रही कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है। निशु देसवाल की 2 साल पहले शादी हुई थी, 7 महीने का जो है उनका लड़का है और आज यहाँ पर 13वीं जो है निशु देसवाल की है और हज़ारों फैंस जो है निशु देसवाल को याद करते हुए जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। सभी फैंस भी जो है बहुत ज़्यादा भावुक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हवन में जो है अपना यहाँ पर हवन में जो है आहुति डाली जा रही है। उनके फैंस लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और कई फैंस बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं, उनको याद कर रहे हैं और फैंस भी नहीं ये जो है सोच पा रहे हैं कि सच में और यकीन कर पा रहे हैं कि सच में अब निशु देसवाल जो उनके आइडियल थे, जिनको वो फॉलो करते थे, जिनसे वो प्यार करते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, नहीं है। आपसे यही अपील करूंगी, खबर को शेयर ज़रूर करें। देख पा रहे होंगे गांव के सभी लोग पहुंचे हैं, दूर दूर से, यूपी से, पंजाब से और हरियाणा के भी दूर दूर कोने से जो है यहां पर निशु देसवाल के फैंस यहां पर पहुंचे हैं और भीड़ तो आप देख ही पा रहे होंगे कि लगातार उनके फैंस आ रहे हैं। 9 से 10 बजे का जो समय था हवन का, पोस्ट डाली गई थी निशु देसवाल के इंस्टा अकाउंट पर और वहीं से जो है हज़ारों लोग जो हैं यहाँ पर आहुति डालने के लिए पहुँचे और देख पा रहे होंगे भाई हैं निशु देसवाल के सामने और अब जो है पंडित जी के द्वारा उनको समझाया जा रहा है और यहाँ पर देख पा रहे होंगे दूर दूर से जो है फैंस यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर जो है निशु देसवाल को याद कर रहे हैं। हमारे साथ उनके भाई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब निशु देसवाल जो कि लाखों दिलों पर राज करते थे वो अब इस दुनिया में नहीं है? तो पहले सबको मेरा राम राम सभी भाइयों ने। निशु एक हीरा था और हीरा बार बार नहीं अंदर, जैसे सिद्धू मूसेवाला पंजाब में थे और ये हमारा भाई हरियाणा में था और वो कहते हैं ना कि लीजेंड मरदे नहीं अमर हो जाते हैं और भाई हमेशा हमारे बीच में रहेगा और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जिधर को भी लिकट गया राम राम करके चल लेता सबसे, चाहे वो बुजुर्ग आदमी हो चाहे सबसे राम राम करके चल लेता। ये सबसे बड़ी खासियत थी भैया की। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय उससे पहले भी कई वीडियोस बनाई गई, वो वायरल भी हो रही हैं लगातार। जी जी। और बहुत ज़्यादा लोग याद कर रहे हैं और लोगों जो मैंने देखा उनके फैन फॉलोइंग में यकीन ही नहीं कर पा रहे कि वो नहीं है। यकीन तो नहीं हो रहा कि देखो जी, एक तो सबसे बड़ा मतलब लोगों के दिलों में राज था भैया का और सबसे बड़ी बात अचानक से लोगों को एकदम पता चला कि भैया निशु भैया हमारे बीच में रहे। तो अभी भी बिलीव नहीं है आधों को, तो अभी बिलीव भी नहीं है कि निशु भैया हमारे बीच में नहीं है और दुख तो बहुत हो रहा है। देखो गांव वालों की काफ़ी दुख है और जो उनके मिलने वाले हैं, जो भी उनके भाई है आसपास मतलब क्षेत्र में मतलब नाम कमाया भैया ने, मतलब बहुत दुख है और देख रहे हैं आप, जैसे कि आप दिखा भी सकते हैं देखो कितनी गाड़ियाँ ट्रैक्टर सब आए हुए हैं, सब उन्हीं के चाहने वाले हैं और मतलब एक हीरा चला गया हरियाणा का, हरियाणा का हीरा चला गया। देखिए लगातार इंस्टाग्राम पे पहले उनके 6 लाख समथिंग फॉलोवर्स थे, अब 1.3 मिलियन 13 लाख जो है फॉलोवर्स हो चुके हैं। जी जी। लगातार लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं और लोग उनके नक्शे कदमों पे भी चलते थे कहीं ने अपना, आप भी कह रहे हैं आपने अपना चैनल स्टार्ट किया। मैंने भी उनको देख के किया था क्योंकि मेरी मुलाकात सिसोली टोचन में हुई थी और बहुत ही अच्छी आदत लगी उस टाइम पे भैया वहाँ पे गए थे, तो मैंने उन्होंने मतलब बताया कि भाई आप भी चैनल बना सकते हो, तो मैंने उनको देख के अपना चैनल स्टार्ट किया और उन्होंने ही मेरे चैनल का नाम सजेस्ट किया था, किसान योद्धा मेरा चैनल है और मैं उनके ही कदम चिन्हों पे चल रहा हूँ। बल्कि मेरी उम्र के थे भैया, वो 22 साल के थे, मैं 23 साल का हूँ और मैं तो बड़े भैया जैसे थे और मुझे सबसे ज़्यादा दुख मुझे हुआ क्योंकि अचानक से मुझे पता चला तो मैं रात को ही दौड़ा आ गया कि गाँव में भाई एक तो देखो लगाव होता है सबसे बड़ी बात और अचानक से एकदम खबर आना तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और हमारी किसान यूनिटी के एक हिस्सा थे भैया और यहाँ पे जितने भी हमारे किसान भाई आए जिनका चैनल था वो सब मिलके गए और उनको भी काफ़ी दुख हुआ कि निशु अचानक हमें छोड़ के चले गए और बहुत अच्छी वीडियो बनाते थे, बहुत ही अच्छी, और स्टार्टिंग करते थे राम राम भाई सारों ने फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। वो अपने देखिए जिस दिन उनका ये हादसा हुआ उससे पहले भी वीडियो बनाई गई, उससे पहले उन्होंने कई वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने मना किया था कि ये स्टंट करो तो बहुत ध्यान से करो और हो सके तो ना ही करो। जी जी। लेकिन उनका ये कहना था कि देखो स्टंट वगैरह देखो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है और वो तो छोड़ चुके थे, लेकिन वो तो उस दिन अपनी वाइफ
वाइफ को लेने गए हुए थे, तो राजस्थान के कुछ भाई आए हुए थे, तो उस वजह से वो जमुना पे चले गए। लेकिन वो भैया भी इस चीज़ के खिलाफ थे स्टंट वगैरह के, वो तो उन्होंने छोड़ ही दिया था स्टंट वगैरह, तो मतलब नॉर्मल करते थे अपना गाँव वगैरह में देहात में, जैसे वो तो कहीं मतलब प्रतियोगिता में जैसे दूर होती थी वो जाते भी नहीं थे जैसे। और यहाँ के जो मैंने बुजुर्गों से बात की, उन्होंने बताया कि जहाँ भी प्रतियोगिता में गए हैं मतलब सिल्डे इनाम वगैरह जीत के लाते थे, मतलब ये सबसे खास मतलब 22 साल की उम्र में काफ़ी ज़्यादा अपने घर वालों का और कुराड़ गांव का भी नाम रोशन किया। कुराड़ गांव का नहीं, देखो सबसे बड़ी बात हरियाणा का नाम रोशन किया एक छोटी उम्र में, ये उम्र जाने की नहीं होती देखो, और इस उम्र में नाम कमाना सबसे बड़ी बात होती है, लोगों की पूरी उम्र बीत जाती है नाम कमाने में। और उन्होंने स्ट्रगल अपना जीरो से स्टार्ट किया था चैनल, और वो हमारे आदर्श हमेशा थे और हमेशा हमारे रहेंगे, और उनको देख के और भी लड़के मतलब सीख रहे हैं। मैं तो उनसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, भैया स्टंट वगैरह मत करो, ये जोखिम होता है, और एक भाई हम खो चुके हैं, हम दूसरा भाई खोना नहीं चाहते, हमारे दिल में हमें पता है हमें कितना दर्द है, हम उसको बयां नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और गाँव वालों को तो काफ़ी देखो दुख है, और ये इधर आप देख रहे हैं सारे परिवार वालों के घर है उनके, इधर दिखा सकते हैं आप, ये जितने भी घर है सारे हमारे निशु भैया के परिवार वालों के घर है सब। फैंस भी आए हुए हैं दूर दूर से, पंजाब से दूर दूर से, काफ़ी दूर से उनके फैन फॉलोइंग देखो, पंजाब राजस्थान हरियाणा गुड़गांव दूर दूर तक उनके मतलब चाहने वाले थे। और देखे देखे नहीं आपने गाड़ी वगैरह कितनी आई हुई है, तो उनके सिर्फ चाहने वाले हैं, वे ये नहीं देखा कि भाई आज हमें जाना है, हमारे भाई की तेरवी है, और अपना आदर्श भी मानते थे लोग बहुत ज़्यादा उनको। एक चीज़ चल रही है कि जिन्हें निशु जान से ज़्यादा प्यार करते थे उन्होंने ही उसकी जान ले ली, ये सिर्फ कहने की बात है, तो हम तो इतना नहीं पता, लेकिन निशु भाई जैसा ना तो कोई हुआ ना कोई इसका टक्कर का आगे होने का, और हम भी इसको सलूट करते हैं, और हम भी इसको हमेशा अपना आदर्श मानते हैं और हमेशा आदर्श मानते रहेंगे, उसके जैसा नहीं आएगा कोई भी, अब नहीं आ पाएगा कोई भी। देखिए इस कदर जो है निशु देसवाल ने लोगों के दिलों पर राज किया था और इतनी ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया, बहुत से फॉलोवर्स हैं, हम लगातार इंस्टाग्राम पे भी देखते रहते हैं कि सब बोलते हैं कि निशु भाई वापस आ जाओ, ऐसे ही लगातार कमेंट्स आते रहते हैं, ओम शांति के कमेंट्स आते रहते हैं, और लोग ये भी बोलते हैं जो उनके फैंस हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि भाई अब इस दुनिया में नहीं है। आप भी कमेंट बॉक्स में ओम शांति ज़रूर लिखें और ख़बर को जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर करें।